पर हम लोग का जरूरी है साल में एक बार करने का। आई एम नॉट क्राइंग, शी इज क्रिएटिंग ऑल दैट प्रॉब्लम्स। भूत प्रेत आते हैं, उनको निकालते हैं। जो बकरी आता है ना, उनका खाली मान देते हैं। गंदा पानी नहीं चलता है। उनको अगर मानते हैं तो हम पत्थर को भी पूज लेंगे। लेडीज है, हो सकता है वो बिलीव करेगी। वो इतना बड़ा आदमी अगर कुछ कर रहा है तो अपन तो सच्ची मानेंगे ना उसे। अरे बाबा के भगवान का देख रहे हो।
बसेरा सबके सर पर छाया है। सबूत से बच्चों को सही किया जा रहा है और विज्ञान विज्ञान को केवल कोने में बैठा हाथी बनाया जा रहा है। अरे ये नींबू का रंग बदलना हमने छठी क्लास में सीख रखा था। चाहे वो नींबू का रंग लाल करना हो या बाबू से बच्चे को ठीक करना हो या सब बाबा का ढोंग है। हमें अंधविश्वास पे अंधा विश्वास नहीं रखना चाहिए। विश्वास पर भारी पड़ते हैं तभी तो बच्चा बाबा जैसे अनभक्ति का भय लेकर बाजार में खड़े हैं। आइए आपको मिलवाते हैं उस पीड़ित से जो इस ढोंगी बाबा का अंधविश्वास के शिकार बने हैं। विश्वास को अंधविश्वास बनाने वाले ऐसे लोग, इन्हीं लोगों की वजह से तो अंधविश्वास बढ़ रहा है। अरे अंधा विश्वास करना है तो माँ पे करो, बाप पे करो, इन जैसी ढोंगी बाबाओं पे मत करो, क्योंकि इसी अंधविश्वास की वजह से मैंने अपनी माँ को खोया है। जिंदगी है दो दिन का मेला, जिंदगी है दो दिन का मेला। वैसे अंधविश्वास आज भी हर जगह मौजूद है और विश्वास करना कोई बुरी बात नहीं है, पर अपने विश्वास के चलते किसी और का नुकसान पहुंचाना सही कभी नहीं हो सकता ना तो इसीलिए ऐसी मान्यताओं को जितनी जल्दी बदला जाए उतना ही समाज के और हमारे जीवन की वृद्धि के लिए बेहतर है। ना तो इसकी अनुमति कोई धर्म देता है और ना ही उन धर्मों का ग्रंथ। कोई भी भगवान अपने एक बच्चे को चोट पहुंचाकर दूसरे का भला नहीं चाह सकता। और स्वयं भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि समय निरंतर बदलता रहता है और जिन मान्यताओं से औरों को पीड़ा पहुंचे उन्हें बदल देने में ही मनुष्य की भलाई है।